नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चौकसी इन दिनों डोमिनिका की जेल में बंद है। गौरतलब है कि चौकसी को एंटीगुआ से क्यूबा भागने की फिराक में डोमिनिका पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि मेहुल के वकील ने दावा किया था कि उसका अपहरण हुआ था। अब एक बार फिर मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन तमाम दावों को खारिज किया जिसके मुताबिक भगोड़ा हीरा व्यापारी एंटीगुआ से फरार होने की कोशिश में था। वकील विजय अग्रवाल ने चौकसी के शरीर पर लगी कुछ फोटो की तस्वीरें साझा की हैं और एक बार फिर मेहुल के अपहरण की थ्योरी को दोहराया है। वकील का कहना है कि चौकसी के एंटीगुआ से भागने के लिए बनाई गई बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मेहुल के पास एंटीगुआ की नागरिकता है और वो अपनी मर्जी से एंटीगुआ में रह रहा था, इसलिए उन्हें वहां से भागने की क्या जरूरत। इसके अलावा विजय ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक चौकसी का पासपोर्ट एंटीगुआ में ही है और अगर किसी को भागना होगा तो वो बिना पासपोर्ट के क्यों भागेगा। विजय अग्रवाल की तरफ से जारी तस्वीरों में मेहुल चौकसी के हाथों और चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, विजय अग्रवाल पहले भी चौकसी के अपहरण का दावा करते रहे हैं। उनके मुताबिक मेहुल चौकसी अपनी इच्छा से डोमिनिका नहीं गए थे बल्कि उन्हें जबरन एक जहाज में बिठा कर ले जाया गया था। इसके अलावा चौकसी ने भी कहा था कि एंटीगुआ और भारतीय की तरह दिखने वाले पुलिस कर्मियों ने उसे एंटीगुआ और बारबुडा में जॉली बंदरगाह से अगवा किया और उसे डोमिनिका ले गए। गौरतलब है कि मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की कथित तौर पर गबन किया था। नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ केस लड़ रहा है। वहीं चौकसी ने 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और वो जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में ही भारत से भाग गया था और उसके बाद से ही वो एंटीगुआ में रह रहा था। इसके बाद से ही घोटाला सामने आया था। फिलहाल दोनों ही सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।